गोवर्धन धाम पर रविवार को गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित गोवर्धन धारी स्मारिका के 50वें अंक के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा किया गया और संचालन महामंत्री पारस यादव पप्पू द्वारा किया गया। पूर्व MLC डॉक्टर शिवनाथ यादव, GSM ग्रुप डायरेक्टर सुभाष यादव, हीरा लाल यादव कोषाध्यक्ष, गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड, अमर देव यादव उपाध्यक्ष, किशोरी किशोर दास ट्रस्ट बोर्ड सदस्य, मुन्ना लाल यादव ट्रस्ट बोर्ड मंत्री, गणेश यादव एडवोकेट ट्रस्ट बोर्ड, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल यादव बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार, इंजीनियर अशोक यादव, पूर्व अध्यक्ष कैलाश यादव, अध्यक्ष अशोक यादव, कोषाध्यक्ष विनोद यादव, उपाध्यक्ष राजा राम यादव, पूर्व SDM, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश यादव पप्पू, गोवर्धन पूजा समिति संरक्षक सीता राम यादव, गोपाल यादव साड़ीवाले, संपादक राजेश अहीर, डॉक्टर राजेश यादव, ब्रिजेश यादव, बसंत यादव, वकील यादव एलोरा आर्ट गोवर्धन, डॉक्टर अवधेश यादव गोवर्धन पूजा समिति, भयालाल यादव, अनिल यादव, डॉक्टर समर बहादुर यादव के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। गोवर्धन आर्ट गोवर्धन धाम गोवर्धन पूजन उत्सव के अवसर पर एक पत्रिका का जो श्री कृष्ण को समर्पित एक पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और इस पत्रिका के माध्यम से हम संपूर्ण समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह गोवर्धन धाम जो अब खिड़किया घाट के नाम से जो आज यहाँ पर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, गोवर्धन धाम अपने आप में पूरे देश में अपना एक स्थान रखेगा। अभी मैं बंगलौर में था कल, तो बंगलौर में भी इस खिड़किया घाट की चर्चा हो रही। कुछ BHU के पढ़े हुए वहाँ इंजीनियर हैं, तो आए थे मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये खिड़किया घाट क्या, तो खिड़किया घाट के बारे में हम लोगों को बताया और उन्होंने अपने गोवर्धन धाम मंदिर को भी देखा था। ये क्या, हमने कहा कि यह गोवर्धन धाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर प्रत्येक दीपावली के बाद यहाँ पर एक बड़ा उत्सव होता है, आप लोग में अगले उत्सव में आमंत्रित। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।